हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निश आर्टिस्ट्री। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कुछ अनबॉक्सिंग। पर गाइस, टेबल यहाँ है तो चीज़ कहाँ है? तो चीज़ ये रही। सो गाइस, आज हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्स दिस मोबी लाइफ ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक। सो लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो, स्टे ट्यून्ड। गाइस, और ये सेल्फी स्टिक आती है एक बॉक्स के साथ और इस पे ये बना है कुछ सेल्फी स्टिक। सो लेट्स बिगिन विद अनबॉक्सिंग। सो यहाँ से हम लोग खोल देते हैं इसको पहले। मैंने खोल दिया और यहाँ पर कुछ कवरिंग आई है इसकी, इसको साइड में रख देते हैं। और इसके अंदर कुछ और भी है, यूज़र मैनुअल भी है और इसके अंदर और कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको साइड में रख देते हैं। और ये हमारा मेन चीज़ है। तो पहले तो इसमें आता है आपके बॉक्स में ये मैनुअल, ये यूज़र मैनुअल और ये कुछ कार्ड्स हैं। और गाइस, ये रहा हमारा मोबाइल स्टैंड। सो लेट्स ओपन। सो गाइस, ये कुछ ऐसा आता है जैसे हमारी बॉक्स पे पिक्चर बनी थी। और इसके साथ एक ये सेल आता है, इसको साइड में रख देते हैं अभी सारी चीज़ों को, इसको बाद में देखेंगे। सो गाइस, ये हमारा हमारा जो मोबाइल स्टैंड और सेल्फी स्टिक है ये। और ये देखिए, यहाँ से शायद ये खुलती होगी, तो पहले हमें को देखना पड़ेगा कैसे खुलती है। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, ये देखिए, यहाँ से ये खुलती है ऐसे करके। आप इसको एक्सटेंड और वो सब कुछ कर सकते हैं। देखिए गाइस, कुछ इस तरह से ये खुल जाती है यहाँ से, और जितना आपको खोलना उतना आप खोल सकते हैं इसको। और गाइस, ये इसका रिमोट है जहाँ से आप इसको निकाल भी सकते हैं अगर आप। और ये इसमें एक और फीचर है कि इसको आप ट्राईपॉड में भी बना सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। तो गाइस, आपको ट्राईपॉड में बनाने के लिए ये देखिए नीचे एक होल दे रखा है, इसको भी खोल देना है। ये तीन होल है, मतलब तीन है। और ये देखिए गाइस, ये अच्छी तरह खड़ा हो चुका है। ये देखिए गाइस, ये कैसे खड़ा हो चुका है जिस तरह की से। और आप इसको एक्सटेंड कर सकते, इसके आउट को एक्सटेंड और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। यहाँ से बंद हो जाता है। और गाइस, ये रहा इसका रिमोट। और ये तो गाइस, ये है इसका रिमोट और ये काम करता है सेल्स से। तो इसके साथ जो कंपनी वाले मोबी लाइफ वाले, वो आपको एक एक्स्ट्रा सेल देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा एक एक्स्ट्रा सेल जो ये लोग देते हैं। तो गाइस, ये मैंने निकाल लिया और मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ कि इनकेस आपका अगर ये बैटरी ख़त्म हो जाए तो आपको डालना हो। तो इसका ये देखिए, आपका ये साइड में एक स्क्वायर सा होगा, इसको थोड़ा सा प्रेस करके आपको खोलना है और ये खुल जाता है गाइस। और इसके अंदर पहले से ही एक सेल फिटेड होता है, तो आपको फिट करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। जब ये डिस्चार्ज होगी ये सेल, तो आपको तभी डालना है। ओके गाइस, तो आप इसको ऐसे बंद और खोल सकते हैं अगर आपको सेल चेंज करना हो इसका। तो मैं अभी इसको फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। तो गाइस, मैंने बंद कर दिया इसको। और गाइस, अब देखते हैं इसको कैसे करना है कनेक्ट। तो गाइस, आपको कनेक्ट करने के लिए इसको क्लिक करना है शायद से। और ये देखिए गाइस, ये चल जाएगा। उसके बाद गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ आपके मोबाइल पे कैसे कनेक्ट होएगा ये। तो यस गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल में और ये बहुत कंपैटिबल विथ मैक एज वेल एज आपका एंड्रॉयड। सो अभी आपको जाना है यहाँ पर और आपका जो ब्लूटूथ वाला साइन होता है नॉर्मल, आपको वहाँ पर चले जाना है। तो इसका इसमें चले जाता है यहाँ पर, ये आ गया मैं ब्लूटूथ में और आपको यही दिखेगा सेल्फी कॉम, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो पेयरिंग दिखाएगा, तो आपको आप पेयर कर देना प्लेयर पे क्लिक। तो गाइस, ये अपने आप हो गया आपसे मोबाइल से कनेक्ट। सो गाइस, अब दिखाता हूँ मैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया कैसे होता है कनेक्ट। तो अभी गाइस, ये कनेक्ट हो चुका है हमारे फ़ोन से और इसको हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं कुछ इस तरह की से, किसी तरीके से। ये होगी आपकी सेल्फी स्टिक।
और अगर आपको इसको ट्राइपॉड बनाना है और ये आप चाहते हो कि ये ऑटोमेटिकली फोटोज खींचते, तो आपको कुछ इस तरह से करना है सेटिंग, और इसकी स्टिक निकाल देनी है, और यहाँ पे जब आप रखोगे तो अपने आप ये बटन प्रेस करोगे तो वो अपने आप ही खींच जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सायोनारा।